राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के आदेश का ताजा खुलासा होते ही व्यापारियों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। इतवारी के सभी सराफा व्यापारी अब रास्ते पर उतर आए हैं। पेश है इतवारी मार्केट से हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी रिपोर्ट व्यापार हुआ चौपट में। वुहान से आई कोरोना महामारी ने सबको झकझोर के रख दिया है। गली मोहल्ले तक कोरोना का आतंक कायम है। कोरोना की बढ़ते चेन को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन ने शहर में लॉकडाउन जारी किया है। लॉकडाउन में मुख्य बाजार पूरी तरह से बंद का आदेश प्रशासन द्वारा दिया गया है, जिससे व्यापारी और उनकी तमाम संस्थाएं काफी नाराज है। सरकार और प्रशासन द्वारा जो आदेश दिए गए थे उनमें भी कई भिन्नता पाई गई है, जिनसे व्यापारियों में असमझ की स्थिति बनी हुई है। कोरोना के नाम पर बार बार सिर्फ व्यापारियों को ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि शहर के व्यापारी और उनसे जुड़े हुए सभी कर्मचारी की स्थिति काफी बेकार है। ऐसे में एक तरफ सरकार और प्रशासन द्वारा लॉकडाउन को लेकर दिए गए आदेश, तो वहीं दूसरी तरफ इतवारी में सराफा व्यापारियों ने आंदोलन का बिगुल फूका है। ऐसा नजारा इतवारी सराफा मार्केट में दिखाई दिया है। पेश है हमारे संवाददाता संजय बिरी, इनके ये ग्राउंड रिपोर्टिंग इतवारी सराफा मार्केट से। इस समय में हम सराफा ओली में हैं। हम आपको बता सकते हैं कि शहर का सराफा कारोबार पूरी तरह से बंद है। इसको लेके आज ये पूरी भीड़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूरे व्यापारी यहाँ पे मौजूद है। इस समय में गिरीश व्यास हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये तमाम जो सराफा बाजार है पूरी तरह से बंद किया है, आखिर क्या वजह है? देखिए, केवल सराफा मार्केट नहीं तो सारा व्यापार बंद है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी मोर्चा ने इन व्यापारियों के साथ खड़े रहकर उनके आंदोलन को समर्थन दिया है। हमारी मांग है कि व्यापार खुलना चाहिए, शर्तों के साथ, नियमों के साथ, समय के साथ, कि 5 घंटा, 6 घंटा, ऑड डे, इवन डे, जो भी करना है वो करना चाहिए, पर व्यापार खुलना चाहिए। क्योंकि केवल व्यापारी अड़चन में नहीं है, वो तो बहुत अड़चन में है, पर उसके ऊपर डिपेंड जो कर्मचारी है, उसके यहाँ काम करने वाला नौकर है, जिसकी थोड़ी तनख्वाह है, जो रोज कमा कर खाता है, आज उसके घर में भी कोरोना है और उसके कोरोना की अड़चन है। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के, उन सारे परिवारों की चिंता करते हुए ऐसे सारे व्यापार खुलने चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी की मांग है। गिरी जी, ये बताए कि जिस तरह से व्यापारी संगठन ने 4 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, अगर सरकार आपका अल्टीमेटम को पूरी तरह से नहीं मानती है या दरकिनार करती है, तो आप पूरे व्यापारियों की अगली रणनीति किस प्रकार की होगी? निश्चित रूप से जो भी व्यापारियों के जो संगठन हैं, फेडरेशन्स हैं, वो जो निर्णय करेंगे उसके साथ भारतीय जनता पार्टी व्यापारी मोर्चा निश्चित रूप से खड़ी रहेगी। तो आप तो गिरीश व्यास, जिन्होंने बकरूर बेकर साथ बात करते हुए ये बताया कि सराफा बाजार आखिरकार क्यों बंद है, प्रशासन और सरकार को ये हिदायत दी जा रही है, चेतावनी भी उन्होंने दी है कि जल्द से जल्द व्यापार को, कारोबार इनका शुरू किया जाए, क्योंकि मात्र व्यापारियों की वजह से कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ा है। क्योंकि आज भी कई ऐसे प्रशासकीय कार्यालय है जो पूरी तरह से खुले, रजिस्ट्री की अगर रजिस्ट्री में जाओगे तो आपको दिखेगा कि तमाम वकील और लोग आते हैं। ऐसे कई कारोबार, कई कामकाज आज भी धड़ल्ले से चालू है। क्या वहाँ भीड़ नहीं होती? क्या ये व्यापारियों का कहना है? और व्यापारी दुकानें शुरू रखने के लिए आज इन्होंने आंदोलन किया है। सराफा बाजार से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मिरे, BCN News नागपुर।